सो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है सहज और आप देख रहे हैं नर्ड्स रिएक्ट। तो भाई आज मेरी बहन मेरे साथ रिएक्शन नहीं बना रही क्योंकि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं और वो 1 जून से वीडियो बनाएगी, तो उसने मना कर दिया कि वो 1 जून तक वीडियो नहीं बनाएगी। तो मैं बनाऊंगा सारी रिएक्शन वीडियो जो जो होंगी। तो आज एल्विश भाई के ब्लॉग के ऊपर रिएक्शन लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है दिस इज सीरियस, जो अभी 5-6 दिन पहले है और पता नहीं क्या सीरियस है, मैंने व्लॉग देखा नहीं। तो व्लॉग देखते पहले फिर बाकी बातें करेंगे। अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में तक बने रहना हमारे साथ। लेट्स गो। जाट होने से फर्क नहीं पड़ता, गुजर होने से पड़ेगा, हौसा होने से फर्क नहीं पड़ता और मुसलमान होने से भी फर्क नहीं पड़ता मुझे तो सच्चाई। पर ये अगर हमारे धर्म के साथ करेगा तो भाई मेरे को बर्दाश्त भी नहीं थे। हमारे आगे करके दिखा दो, इतना ही जोर है तो हमारे आगे ले, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, इसने तार के दिखा दो। गुड मॉर्निंग जी। एसी किसने बंद कर रखा? गुड मॉर्निंग जी, वेलकम। हुआ क्या पर ऐसा भाई? सुबह सुबह होगा था, मैं लेट आने में, मतलब मैं अभी पता चलेगा सुबह 7:30-8 बजे और फिर मैं सोगा, फिर शाम ना खुली मेरी। अब निकल लिया अपने मैं मिशन पे, जो तुम्हें पता रोज एक मिशन पर निकल जाता हूँ ना मैं, जहाँ मेरी कस्टम गैराज थी ना, वो निकाल दिया उसका क्या कहते हैं जो फ्लैग कवर होता ना, ब्लैक कलर का जो मेरा कवर था। वो बड़े चोर बंदे यार, फ्लैग कवर भी चुरा रहे हैं भाई, बहुत अजीब लोग हो गए हैं। मतलब कह के लिया था कि भाई यार मैं तो देवे चुराया नहीं था, पर कोई दिक्कत नहीं, अभी तो निकल लिया भाई और अपने कस्टम गैराज जा रहा हूँ। अभी कटारिया वगैरह सारे भाई आ रहे हैं, एक नई कार्रवाई करनी है आज अपने को, बताता हूँ क्या कार्रवाई होगी भाई। हमारे गम में तो देख लो तुम, क्या तगड़ा सनसेट दिख रहा, देख रहे हो गम में तो कभी यहाँ तक सामने गली में तो निकले ना, बिल्कुल सामने तो सूरज लै भाई, दिस इज बेस्ट, पता लग रहा कभी सामने ही बेस्ट है, प्यारा लग रहा पर हाँ सनसेट अच्छा है। कोई नहीं, उधर से कटारिया तो पूछता हूँ कार आएगा साड़ा। झूठे की बात सुनना, झूठे की बात सुनना, अभी देखे क्या बहाना लगाएगा। तो 4 मिनट आ रहे, एक गाना का हिट होगा भाई यार का थार, बहुत अच्छा गाना है भाई। फोन भी नहीं उठाते, कोई बात ना भाई, टाइम टाइम की बात है। कटा रहा साइड, एक मिनट रुको, दूसरों को करता हूँ जरा, दूसरे लोगों को और लक्ष्य शूट। ये कौन है? कटा रही है। हेलो हेलो, निकल रहा हूँ वैसे साढ़े, अब तो नान बड़ा है तू। हाँ तेरे मग्गे बाल्टी की आवाज ना बता मुझे। शावर साढ़े मग्गा बाल्टी तो ना हो तम, शावर कब तक आगा थारे घर में? भाई लेनी देनी कर देते हैं यार, तू 1 घंटा लेगा यार, मैं पहुंच लिया। मैं भाई कस्टम कर आज के गेट पे, हाँ कसम था भाई अपनी, उसी कसम खा जाते तुम देखी। अरे यो कैसी कसम उठवा तू, अरे पहुंचने वाला हूँ 10-15 मिनट में, आ जा यार। भरोसा नहीं है भाई, तू तो साढ़े बड़े झूठ बोला है भाई, तुम झूठ बोल रहे हो यार। कम से कम मैं अपना मग्गा वग्गा लेकर नहा तो ना रहा साढ़े, ये लेडी ड्राइवर है क्या सामने? भाई तुम लोगों को पता है लड़का लड़की में डिफरेंस क्या होता? लड़कियां जो होती है ना, लड़कियां मेरे हिसाब से जहां तक मैंने देखा, और ये मत समझना ये कहां से कहां शिफ्ट हो गया, कटारी का था नफरत करता हूं सॉरी, लड़की मैंने देखा है, लड़कियां ना लड़कों को समझती नहीं है यार, जो एक बारी को समझा लड़का समझ लेगा पर लड़की नहीं समझती। उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई आदमी की जिंदगी में बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानी होती है, बहुत काम होता है, समझ रहे हो, बहुत दिक्कतें होती हैं और वो लोग दिखाते नहीं है लड़कियों का होता है, पर हर केस में नहीं होता, हर सीन में नहीं होता, होता है। लड़कियां फिर भी एक्सप्रेस कर देती हैं, लड़के एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ ये बात तो है, सच बात है तो यार, चलो ये तो ह्यूमन नेचर है लड़कियों का, ऐसा ही है कि भाई ना चीज समझनी ना कुछ टाइम देखना कंप्लेंट कर दी, तो हम तो सिर्फ कह ही सके भगवान तो है ना भाई, जो पूरी वो चेंज कर देंगे क्या कहते हैं उसको, जो पहले से बन के आती, दिमाग किसी का चेंज नहीं होता। फिर भी यार लड़कियों को थोड़ा समझना चाहिए ना कि भाई लड़के इतनी मेहनत, ऑल्दो लड़कियां भी करती हैं मेहनत, मेरे को तो वो लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं भाई जो बहुत काम करें। पता है मेन रीज़न अगर कोई लड़का लड़की लड़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी उसमें लड़ाई बज रही है, उसका मेन रीज़न क्या होता है? लड़ाई वो इंसान करता है जो खाली होता है। हाँ, अगर काम वाम अगर होगा तो ऑक्यूपाइड होगा कि भाई हम तो ये काम निपटाना, तुम्हारी प्रायोरिटीज़
थोड़ा थोड़ी अलग होंगे और तुम ये समझ पाओगे कि अगला आदमी जो काम कर रहा है उस पे क्या बीत रही है। अब एक साइड आदमी काम कर रहा है, औरत खाली बैठी है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं सोच रहा कि भाई मैं सब औरतों को कह रहा हूँ, काम करती है बहुत औरतें, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उन चीज़ों की, ठीक है, कि एक साइड आदमी बहुत काम कर रहा है औरत कुछ काम नहीं कर रही, तो औरत का दिमाग होगा भाई साहब खाली, उसके उसके दिमाग में क्या आएगा, यही आएगा लड़ाई झगड़ा, ये नहीं करा तुमने, वो नहीं करा, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। अरे दादी वो तो देख ले, पर आदमी काम कितना कर रहा है, उसके दिमाग में 100 टेंशन है, उसके सिर पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाए ना, सारा समझने लगे हर औरत हर आदमी को, भाई माँ कसम जिंदगी वो हो जाए स्वर्ग, इधर इंद्रदेव बैठे हूँ, इधर कोई से देव बैठे हूँ, ऐसे जिंदगी हो जाए। सो ऑल द लेडीज आउट देयर, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाओ, समझ रहे हो ना, कई लेडीज तो अब हेट करेंगी मुझे, एल्विस साड़ा मिसोजिनिस्ट हरामी है, हमें समझा रहा है, हमें बताएगा क्या काम करना क्या नहीं करना, भाई ह्यूमर ऑन पॉइंट होता है हमेशा। पीटा तुझे क्या एल्विस, हां ऐसे ये भी मुझे क्या है, फिर भी मेरा ब्लॉग चल रहा है तो मैं बोल सकता हूं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारे पहिए देख रहा हूं, बड़े मैं पहिए पहिए लगवा गए हो तुम, कितने इंच के डला है इसमें, 11 इंच 14 इंच 14 इंच से 11 इंच 14, ये भी और वो वाले के पड़े तुमने पहिए, ये पड़े 7 7 8 रुपए ऐसे कुछ दोनों पहिए। अब तो ग्रैंड विटारा भी ले लिया, उसमें भी तो लगेंगे 100-200 रुपए का डिस्काउंट मानोगा तुम, कौन सी कंपनी के भाई भैया, ये शायद लग भी चुके हैं पता नहीं, वाह वाह छोटे छोटे भैया, इस गाड़ी ने आप तुम बेच दो अभी, तो इस पे काम होना भाई निकी और इसमें है के, अच्छा इस पे तो अभी तुम नाडोगरे करा रहे हो, यस नाडोगरे तो क्या ही करा रहे हैं, वो करवा रहे हैं नाडोगरे तो है ही ऑलरेडी, क्या पर्पल करवा रहे भाई, क्या पता क्या करवा रहे, कमीलिन की बात है भाई, कमीलिन का नियॉन कलर, मेरा तो कोई कवर तार के लेगा झंडे का, गलत बात है भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, मतलब हाँ वैसे हेटर्स होते हैं तो कर देते हैं वो चीजें, बट गलत है सारी चीजें, मजेदार सिस्टम भाई, यो ना डोगरे करिए भाई यार ने पेड, तो मैं अगर समझ रहे हो किसी को प्यार नहीं देना, किसी को सपोर्ट नहीं करना, तो ये सब भी मत करो ना हेट करके, या फिर रैप होगा जंदर भाई यार के पास रखा, पर अभी हर चीज में नुकसान हो जाता है, अभी काली है ना डोगरे हो जाएगी भाई, इनका मैं बिगरे करवाऊंगा, मैंने तो अभी रहने दे, नहीं ली रहने दे, पर कोई दिक्कत ना है, अभी तो मैं कह रहा हूँ बहुत दिन बाद मैंने देखी लेजेंडर फॉर्चुनर ज्यादा दिखा आजकल मार्केट में, लेजेंडर वाला रखे यो भी तगड़ी लग रही है भाई, ऐसी थी मेरी पहले, यो भी अच्छी लग रही है यार, अब तो ब्लैक हो गई, बहुत जरूरी है जिंदगी, ब्लैक ज्यादा अच्छी लगती है, पर गैस करो कौन सी जगह है, विनय भाई के कैफे में जो नया खुला है, वो सोने आता है क्या तू इधर, अर्जित बेस्ट है भाई, इससे नेक्स्ट उसके ऊपर प्रैंक आ रहा है, जो प्रैंक निकाला था ना वो तगड़ा प्रैंक था, वो आएगा अब, आंख दिखाई बार अपनी आंख दिखाई, नशेड़ी साड़ा एक घंटा सोया मैं, पूरी रात जागा, रुक तो जाओ, मैं जब कटारिया छोड़ता ना, मैं एल्विस भाई के साथ था, जब मैं जाके सोया ना वहाँ जाके यू कर रहा कि लगता था सोता रहता है, बताओ सुबह 5:30 बजे कौन रहेगा तेरे साथ, मैं तो कुछ कहता ही नहीं इनको भाई, कुछ करें भाई, है कैफे अच्छा है जो भी बनाया मैंने भाई ने, एमएस बहुत अच्छा लग रहा है, अर्जित की दही ऐसी ना लगे भाई कूटे जाओ, वो मसूरी में जो WWE का मैच हुआ था देहरादून में भाई, फेंक के ना मारे, फेंक के नहीं मारे हमने, हम दोनों टैग टीम चैंपियन रहे बेटे, बेल्ट अब भी इधर रखी है, टैग टीम इधर गिरी बेल्ट गिरी, और मैं क्या कह रहा हूँ, जो तूने कल कच्चा पैर रखा था ना, देखा आज मैंने पैर रखा, कौन सा वाला पैर रखा है आपने, मैंने पैर रखा जो वाला कच्चा, तूने वो पैर रखा जो मैंने कल पैन रखा था, ये भाई आए हमारे क्रिकेट मैच वाले एक्सपर्ट एनालिस्ट, नारियल पानी की शर्त लग रही है, इस ओवर में विकेट आएगी ना, आई भाई विकेट दिल्ली जीतेगी, चलो भाई दिल्ली, मैंने तो दिल्ली दे रखी टेलीग्राम पे, बॉबी मेरी उम्र ने आनी, ये देखो गाइस कैप्टन अमेरिका ना ना, ये एरो जो है और एक साथ में फिर से मार दिया, अच्छा ये होगा, मैं कह रहा हूँ दिस इज सीरियस, इसलिए लिखा होगा क्योंकि ये वापस फाड़ दिया ना PPF शायद, हाँ क्योंकि इससे पहले महेंद्रगढ़ मीटअप में भी फड़ गया था, फाड़ दिया था जो ब्लेड ब्लेड से, ये दोबारा कर दिया इन लोगों ने, गलत है भाई, वही बोलूंगा, अबे क्या ब्लेड लेके चल रही है क्या पब्लिक,
हाँ वो तो अभी मेन चीज तो देखो क्या क्या हुआ है हमारे साथ गाइस। एक बैड न्यूज है, बैड न्यूज तो क्या है मतलब कि क्या कहते हैं, न्यूज हो ही नहीं सकती मतलब है? इससे बड़ी न्यूज क्या ही होगी, बड़ी न्यूज नहीं मतलब ऐसा क्या हो गया भाई, किसी ने अपना मुंह करा है कि तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, सिंपल ही है ये देखो। अच्छा ये तो मिट्टी है, वो लग रहा है आक्रोश मुझे यार, मतलब आक्रोश वाली बात है, चिढ़न वाली बात है, तो साफ साफ सही बात है भाई, हिंदू ही है। अरे ये जनता हिंदू है, अरे तो हमारे वाले सबको पता है किसके काम हो सकते हैं, मतलब किस रिलीजन के लोग के। ये हरकत जो है ना, ये हरकत बर्दाश्त नहीं है, ये साढ़े बेसक ये पूरा फाड़ दो, ये साढ़े ये वो एंटी इंडिया ही है फिर। ये मेरे को लगता है जो केरला स्टोरी पे बोला है ना एलविश भाई ने, उस पे उसकी वजह से हुआ है ये, सहन नहीं होगी बट गलत है, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए भाई अपने मतलब उसका हर कोई स्टैंड लेता है, हर कोई अपने ओपिनियन शेयर करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम ये चीज कर दोगे तो बुरा लगता है सामने वाले को भी। कटरा साहब तो हमेशा बुरा होता है, जब जब हमने कुछ पिछली बार ये हटा नहीं था, अरे क्या रह गया यार, अब ये पूरा ने पूरी ये खराब कर दिया समझ रहा, अब ये पूरा क्या क्या सेट है, दोबारा लगवाऊंगा तो सही, मैं दोबारा नहीं पूरा हटके लगेगा ना, मैं अरे ये देखिए ये पूरा मोहल्ला कर दिया साफ होगा ना, इस पे देखिए पूरा खराब कर दिया नसाड़ों ने, एक मिनट ब्लेड ब्लूड होते हैं इस पे, क्या कम आ रहा इस चीज से, उतरा है हाथ से, उतरा है हाथ से, हाथ से ना उतर सका भाई, हाथ से उतर ना भाई, अरे ये दूसरा वो रहती है फिल्म वाली, ये ब्लेड से लग रहा है ये, हाथ से किससे उतरी है फिर, ये साढ़े का खुरपा मारा है क्या, खुरपे से ऐसे नहीं होता हां भाई साहब, ये क्या हो रहा आपके कोपचा के आगे, जो भी कर रहा ना ये धर्म के साथ बिल्कुल मत करो यार, गाड़ी में भाई कैमरा तो है ना हम पे, कैमरा है, कोई दिक्कत ही ना पकड़ ले, इतनी रेंज आ जाएगी, पर यहाँ रेंज नहीं आएगी कैमरे यार, दूर होंगी तो वो दिखाओ पहले वो सिस्टम, ये तो पर ये धर्म के साथ नहीं करना चाहिए भाई, भाई जो भी है जितने भी लोग देख रहे हैं जो कर रहे हैं मैसेज तो पहुंचता ही होगा उनके पास भी, गाड़ी में और तुम वो ये पार्ट ले सीधा सीधा पार्ट ले, मैं बता देता हूं, हमने केला साथ नहीं इस साथ नहीं, ये पता है जिस दिन को ठहरा गया ना ईमानदार बता रहे हैं, हमारे धर्म का जो मजाक करेगा उसकी मतलब ऐसी खालू सी, सही बात है भाई, ऐसे ऐसे जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, पीठ पीछे चलो तुम ये करके कि भाई हम नहीं थे, कोई भी नहीं थे, हमारे आगे करके दिखा दो, इतना ही जोर है तो हमारे सही बात है भाई, तो कर ऐसे गिरा तो कर लो, इसने छोटे दम रैप इतार के दिखा देना ये बार, क्या रैप रूप से मतलब मुझे चलो ठीक है नुकसान है बुजुर्ग है, बट धर्म के साथ किसने कहना भाई, जैसे इसकी मतलब हमारे धर्म के मतलब ध्वजा उड़ा रहे ना ऐसे, ईमानदार बता रहा हूँ भगवान कसम उसकी हड्डियां तोड़ जाएगी, धर्म तो भाई सही बात है, हर धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये तो गलत कर रहा है है ना, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे भाई, ये क्यों कर रहा है, सुनता ले केरला स्टोरी पे बोल लिया उनकी फटिया, मैंने भी वही बोला भाई, अपने फ्री वर्ल्ड में अपने ओपिनियन नहीं दे सकते, साफ सीधी बात तो ये कहना चाह रहा हूं, हम रहे हैं ऑनेस्ट, ये एक चीज बताओ ये उतर नहीं सकता ये हाथ से, नहीं उतर सकता भाई, ये ब्लेड से भाई ये हाथ से नहीं उतर सकता, ये रैप भी फाड़े इन्होंने, हां ये रैप भी फाड़ दिए ये भाई, मैं मेरे लेके पूरी गाड़ी के रैप फाड़ दूं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, ईमानदार से मुझे अफसोस नहीं है, इस चीज का तो दुख है ना, गाड़ी ठोक जाते नहीं होता था, अच्छा ईमानदार से तू तो बामण आदमी है, कटारे जाट है, बामण वाली बात नहीं 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 नहीं, बामण जाट और यादव तीन भाई खड़े हैं, यूनिटी है भाई, गुजर और कमी अपने हरियाणा सबसे बड़े है तो हिंदू ही, बाकी छत्तीस बरादरी जो है हमें किसी से जाट होने से फर्क नहीं पड़ता, गुजर होने से पड़ेगा तो आउसा होने से फर्क नहीं पड़ता, और मुसलमान होने से भी फर्क नहीं पड़ता मुझे तो सच्चाई, पर ये अगर हमारे धर्म के साथ करेगा तो भाई मेरे को बर्दाश्त नहीं, सच्चाई बताओ भाई, किसी को बर्दाश्त नहीं है भाई, ये इधर तो दिखाओ ये तो, इसकी तो देखो इसकी तो अभी नोटिस ही नहीं करी, अब मिट्टी से ये कैसे हो गया भाई, इधर भी है तो पूरी गाड़ी पे, ये कैसी मिट्टी है भाई, ये वाली मिट्टी थोड़ी है, ये उठा के मारी मेरे ख्याल से, गीली कर, अबे गेट भी गंदे कर रखे हैं भाई, अबे तेरी तो गाड़ी गंदी कर रखी है, मोदी आ गया आपकी गाड़ी पे दोबारा भाई, कदम पर सुसु कर जावे, कदी देख इधर तो देख भाई, ये क्या चीज, ये चीज तो पहले पता करो, वो बर्तन आया कैमरे में देखते हैं, सीमेंट है सीमेंट सीमेंट है सीमेंट, यूं नहीं कर रहा सीमेंट ही कर रहा, जम जाएगी पूरा रैप उतरेगा, हटा भाई इसको हटा ले, पूरी गाड़ी गंदी कर रखी है भाई, कटा रही है भाई, गाड़ी में लगता है वैसे साफ कर देगा ये, तो वॉशिंग पे भाई, ये क्या बला है, नई चीज आई है ये तो मार्केट में भाई, ये तो सीमेंट है, सीमेंट गहरेगा बेटा, इसने धोवा ले जल्दी, मैं आगे से ना गार्ड रख लगाऊं, मतलब गलती हमारी भी है भाई, गलती हमसे गलती वाला भी नहीं है, हमसे गलती हमारा खोके वाला भी नहीं है, ये नहीं और गलती हमसे होगी, हमने गाड़ी यहां लगा दी, अच्छा आज खोके वाला भी तो नहीं है, अरे भरी और दी पार्किंग तो खा लगाऊंगा, आप ये कह रहे हो कि एक बार बताओ कल हमने कल आज ही क्यों भाई, देखो
हमने कल बोला, तूने कल केरला स्टोरी के बारे में बोला और आज ही हो गया। मैं तो केरला स्टोरी के बारे में मैंने कुछ परली साइड को गलत थोड़ी बोला, मैंने तो बोला कि अपनी साइड के बंदे भाई कन्वर्ट, अपना ओपिनियन तो हर कोई देता भाई। अबे रहो तो उसमें गलत आइडियोलॉजी वाली बात है। अब हमारे सामने कोई हाथ लगा दो जी, में हमारे धर्म को नुकसान करने भाई, तुम अपने धर्म, मुझे तुम्हारे कोई भी, मुझे किसी के मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पंजाबी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई और धर्म एक्सवाईजी फॉलो करो, बट हमारे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहे भाई। भाई यही तो दिक्कत है ना। एक चीज और पता लगी कि भाई जो भी है, जैसे हम खोपचा हुए तो ऐसे तो हम भी सेफ ना, उन्हें पता खोपचा तो आवे, तो मतलब खोपचा है तो मतलब उनका बाप का खोपचा, मैं सेफ नहीं, नहीं मतलब वैसे नहीं, हमारे ही जगह में खड़े होके हमारे सारा मतलब जहाँ हिंदुत्व वर्चस्व है, मेरे ख्याल से भाई रिक्की कर रहा हमारा भाई रिक्की, रिक्की वाली बात ना, डेली व्लॉग देखा है कि हम दो तीन जगह बैठे हैं, ये वहीं जाऊंगे रोज रात ने शाम ने, और वहीं पाके करनी है सिस्टम। किसी धर्म के बारे में हम फालतू बोलते नहीं और अपने धर्म के बारे में हम सहते नहीं और सुनते भी नहीं भाई। ये ये तो चलो दोबारा लग जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। मेरे पास सुन, अभी वो कैमरा देखते हैं, अगर देख एक कैमरा तो वो लगा हुआ है सामने, पर वो उसका एंगल इधर है, दिक्कत ये है अगर तू यहाँ भी लगा देगा ना इधर, तो यहाँ सारा तो गाड़ी खड़ी थी जब माया उस टाइम पे पार्किंग खुल दिया भाई। मैं तो कह रहा हूँ जिसने भी फाड़ा है भाई कल आ जाइयो, कल भी यहीं मिलेंगे, और जोर होना फिर से फाड़ दे इसको हाथ में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। इसकी गाड़ी इस सीमेंट फेंकड़ का सिस्टम समझना, इसकी गाड़ी में तो सीमेंट है क्या वैसे, मेरे ये तो देख भाई कुछ अजीब सही है भाई, इतनी हेट मैंने नहीं देखी भाई, कैसे का ले पाया पकड़ के ऐसे करके ले पा चले गए, इसलिए लग ही रहा है वो देखने कोई फायदा नहीं मेरा आगे, भगवान कसम मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं ज्यादा ना बोल नहीं पा रहा ना, मेरा आगे तुम खटक जाओ ना, ये गाड़ी का नू हाथ लगा देगा तू, कल बोल दो फिर मैं ज्यादा कूद है ना, स्टिकर हटाया तू कल आ जा, सेम टाइम सेम जगह हम भी देख लेंगे, ठीक है ज्यादा मीटअप हो जाएगा फिर सब आ जाएंगे मिलने के लिए। गुस्सा तो कर ही नहीं रहा मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई लोगों की मेंटालिटी कितनी खराब है। हम तो सुन नाकुन से उतरने वाला जुगाड़, नाकुन से नहीं उतरता ना, तो ये रैप उतरता था नाकुन से ना, ये अपना धर्म का स्टिकर उतरता नाकुन से। हम तो भाई सुनो, तुम एक गाड़ी में फाड़ोगे हम 100 गाड़ी में लगाएंगे, एक लिख के ले लो स्टिकर हमारी गाड़ी में, अभी दिखा देता हूँ कितने रखे हमारे पास, हम पूरा नहीं लगाएंगे भाई। सीसीटीवी और चेक करेंगे अभी कि सारी चीज आ, किस साइड का एंगल आ रहा, किस साइड का नहीं आ रहा, सामने का आ रहा या नहीं आ रहा, पीछे तक का और देखेंगे, और रिकॉर्डिंग मिली अभी मिल जाएगी तो सही, ना तो कल तो देखेंगे ही। और भाई ज्यादा ढींग बनो गाड़ी के लिए, सब हरकत करो हमारी गला होने इस तक उतलो गलत है पर यार जो भी हत्या चढ़काना जो सा भी, फिर घर वाले शक्ल भूल जाएंगे। खोपचा से तो मैं निकल लिया विनय भाई के यहाँ से, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मतलब आज पूरे दिन सो रहा था मैं, फिर पेट में दर्द सा हो रहा था, वो तो चलो कोई बात ना। एक चीज मैंने डीकोड करी कि हिंदू स्टिकर जब हम कसौल में थे एक बारी तब हुआ था, उसके बाद इतने टाइम से तब से तो कुछ नहीं हुआ है। केरला स्टोरी के ऊपर मैंने ये उसी वजह से हुआ है मतलब वो तो मैं सदा से मेरी आइडियोलॉजी वही है, मैं वही बोलते आ रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बोला, सच्चाई बोली थी, फैक्ट्स बोले थे। तो भाई उस चीज के बाद ये चीज हुई है और मैं 100% 1000% श्योर हूँ कि उसी चक्कर में ही जो जिसने भी करा ना ये क्यों करा, ये तो मेरे समझ में आ गई। पहले भी लोग पीछे पड़े स्क्रैच मार जा, देखिए तुमने वो तो शुरू था कोई ब्लेड ब्लूड लेगा यार, ये तो चलो हेटरेड हो गई, ब्लेड मार दी किसी ने रैप उतार दी, ये तो हेटरेड में आ कि नफरत है भाई एल्विस से, तो आगे बढ़ रहा साड़ा ले कैसे गाड़ी खरीद रहा है पैसे कमा रहा जो भी है छोटा मोटा, ये तो चलो इन चीजों में आ गई ठीक है, नो इशूज कर लो चीजें ठीक हो जाएंगी, रैप हटा रैप लग जाएगा, स्क्रैच लगी है स्क्रैच में वो पेंट हो जाएगा, सारी चीज हो जाएगी। पर जो ये वाली चीज है ना, ये गाड़ी से हेटरेड के अलावा चीज है, मतलब इसको ना मेरे हिसाब से मैं तो लाइटली लूंगा नहीं।
अभी उसकी बात चल रही थी सीसीटीवी की, भाई कह रहा ये बहुत बड़ी चीज है, गाड़ी तो क्या है, गाड़ी का तो होता रहेगा, बट ये एक डिसरिस्पेक्ट है एक रिलीजन की, वो गलत चीज है। कल खोके वाला, मतलब आज खोके वाला भी नहीं था, तो ये भी एक दिक्कत होगी। ये भी सही मौका मिलेगा तो क्या पता कल भी आए हो, परसों भी आए हो, कल आए हो, पर खोके वाला बैठा उस टाइम पे ना कर पाए हो, या फिर क्या पता और बंदे हो बाहर। आज ही मैंने गाड़ी उधर लगाई, नहीं तो गाड़ी ना, मैं तुम देखते हो ना, मैं बिल्कुल सीधा लगाता हूँ आके। आज वहाँ पे भीड़ सी हो रखी थी, मतलब और गाड़ी गुड़ी निकलने की जगह ना थी, तो मैंने लगा दी वहाँ पे पुणे में। मगर तो अपना भाई यार का ही खोपचा है, यहाँ क्या दिक्कत है, पर दिक्कत मुझे पता लग गई भाई, दिक्कत तो लोगों को है और बहुत गलत बात है। मजाक से हट के कह रहा हूँ भाई, देखो अपने धर्म के लिए हम तो खड़े रहते हैं एनी टाइम, और आगे भी खड़े रहेंगे। ऐसे नहीं कि छोटी सी ये चीज होगी वो इंडस्ट्रीकरण हो गया, हम पीछे भाई हमें कुछ मत कहना भाई, हमारा स्टिकर मत हटाना प्लीज, ऐसा कुछ ना, हम तो भाई तब भी खड़े रहेंगे। मैं बहुत पहले से वीडियोस बनाते आ रहा हूँ, जिसको नहीं पता भाई मैं हिट भी इसी चीज की खाता हूँ कि ये तो भाई ये करता है वो करता है, कौन है ये तो हिंदू मुस्लिम करता है ये करता वो करता है, हेट भी मैं इसी चीज की खाता हूँ। और तुम ध्यान से कभी देखोगे ना भाई, हिंदू मुस्लिम की मैं कभी कुछ नहीं करता, मेरे डीओपीज भी मुस्लिम है, मेरा एडिटर भी मुस्लिम है, मैं चीजों में हम उनके साथ भी खूब मजाक मस्ती करते हैं, वो अलग चीज है, वो समझते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं, मैं गलत को गलत सही को सही बोलता हूँ। पर हर जगह ना ऐसे तत्व होते हैं जिसने इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले, जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, हमारे देश के लिए खतरा है। सही बताऊं तो कि जिस देश में रह रहे हैं उसका अब मैं क्या बताऊं, मैं बहुत सारी चीज बोल जाऊंगा, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें, पर मैं वो चीज बोलना नहीं चाह रहा, नहीं तो मेरे रीच भी बंद कर देंगे यूट्यूब वाले, ये थोड़े हैं मेरे खिलाफ। तो भाई सपोर्ट तो देखो मुझे आप लोगों का ही चाहिए, कर देती बीच में रीच बंद, वो बता रहे थे कि मैं तो भाई रोकने पे लगे रहते हैं, इसलिए मेन चैनल पे वीडियो आएगी, लेकिन रीच ना बढ़ जा, कुछ ऐसा डाल दो तो ऐसी चीजों को रोकते हैं। बट ये थोड़े नए चैनल बनाए, शायद ये वीडियो डिलीट हो गई थी इस चक्कर में, टेलीग्राम पे देखा था मैंने, जो एलविश यादव सीन है ना, तो भाई वीडियो आई एलविश भाई की, तुम्हें पीछे का नहीं पता होता पीछे क्या क्या देखना पड़ता है, कहाँ कहाँ से रिपोर्टें पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें पता है मेरे को, मैं सारी चीज डिस्क्लोज नहीं करता, बट कोई बात नहीं भाई। भाई ये एक मेरा स्टिकर फाड़नता है तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है ना, स्टिकर दोबारा लग जाएगा, रैप दोबारा लग जाएगा, और मेरे जितने भाई देख रहे हैं ना उनको स्टिकर लगा लो, कितनों का फाड़ लोगे 100 करोड़ आदमी का नहीं फाड़ सकते ना। कोई बात नहीं भाई, मैं तो अपने घर निकल लिया, इसको लाइक कमेंट के लिए नहीं बोलूंगा मैं, पर शेयर जरूर करना भाई और फैलाना वीडियो को, ठीक है जी, राम राम भाई। तो भाई गलत सीने जो भी है, मतलब बेसिकली वीडियो थी उसी पे ही, क्या कहते हैं, दिस इज सीरियस टॉपिक, अब मुझे समझ आ गया कि क्या सीरियस है, क्योंकि ये चीज़ पहले भी हुई थी जब ये लोग शायद मसूरी गए थे, कहीं गए थे जब ये इन्होंने शायद हॉन्टेड, नहीं मेरे को नहीं पता, बट मसूरी गए थे इतना पता है, जहाँ पे वो हिंदू का जो स्टिकर है गाड़ी के पीछे उस पर वो लगाती है टेप दो ऐसे क्रॉस में, तो वो चीज़ भी गलत थी, वहाँ पे भी यही बात हुई थी, और शायद उस वीडियो का भी वही था शायद टाइटल, दिस इज सीरियस में भी हो सकता है, पता नहीं मेरे को, बट हाँ ये चीज़ गलत है जो भी ये हुई, जो भी मतलब हाँ केरला स्टोरी के ऊपर बोला, इस चक्कर में हुई है ये चीज़, बट नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी रिलीजन के लिए नहीं बोल रहे या अपने ओपिनियन दे रहे सिर्फ, तो वो ओपिनियन तक ही रोको, क्योंकि हर बंदा अपने अपने ओपिनियन देता है। ओपिनियन का मतलब ये नहीं कि वो सामने वाले रिलीजन के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे भाई ने बताया कि इनके डीओपी एडिटर सब मुस्लिम है, तो कोई भेदभाव नहीं है, बट हाँ अगर अपने ओपिनियन दे रहा बंदा तो उसकी मतलब उसके रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट मत करो ऐसे करके, उसकी थार पे वो कीचड़ उछाल दिया, उस पर स्टिकर पे स्पेशली, और पूरी गाड़ी पे भी, गाड़ी का छोड़ो स्टिकर पे ज़्यादा मतलब डिसरिस्पेक्ट वाला सीन है, और इनके फॉर्चूनर पे वो कर दिया, फाड़ दिया, और वो ब्लेड सी फाड़ा हुआ है, वो हाथ से तो उतर नहीं सकता, तो ब्लेड सी पूरे पूरे निशान है, और वो भी फाड़ दिया, पीपीएफ भी फाड़ दी, जैसे महेंद्रगढ़ मीटअप में हुई थी वो भी फाड़ दी, तो गलत चीज़ है। और जैसे मैंने महीने बोले कि चीर देंगे, हड्डियाँ तोड़ देंगे, वो सही बात है, होना भी चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है पता लगा लेंगे, कैमरे से पता लगाए, कहीं से भी पता लगाए, पता लगा लेंगे, क्योंकि कैमरा दूर है, वैसे कैमरे से शायद ही पता चले, बट हाँ अगर पता चल गई तो वो चीज़ गलत हो जाएगी उस बंदे के लिए जिसने ये चीज़ करी है, और ये सच में गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ, अपने ओपिनियन दे रहे हैं अगर हम, तो ओपिनियन तक ही रखो, और सामने वाले को हेट मत दो, अगर हेट दे भी रहे हो तो बोल लो, गाली दे लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये चीज़ मत करो जिससे बंदे को और ज़्यादा गुस्सा आ जाओ और डिसरिस्पेक्ट हो उसके रिलीजन की। बाकी आप लोग बताना, आप लोगों को कैसी मतलब क्या ओपिनियन है आपके उसके ऊपर, कमेंट करके बताना मेरे को, और रिएक्शन तो अच्छा, मतलब
क्या ही है, बट हाँ ये चीज गलत है। रिएक्शन मैं ही नहीं बोलूंगा कैसा लगा, क्योंकि इस पे हर हर जो बंदा होगा हिंदू उसका यही रिएक्शन होगा, और जो मैच्योर मुस्लिम्स होंगे उनका भी इस व्लॉग पे यही रिएक्शन होगा जो मेरा था। तो बाकी आप लोग बता देना कमेंट करके आप लोग को एलविश भाई की वीडियो कैसी लगी, अपने ओपिनियन देना जरूर, क्योंकि और अगर कोई हेट देना चाहे तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सपोर्ट करूंगा भाई को हमेशा, क्योंकि ये चीज गलत है तो है। और बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना हमारी वीडियो के अपडेट्स के लिए। और बाकी कमेंट करके बता देना किस वीडियो पे आपको रिएक्शन चाहिए, और इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे पॉपअप कर दूंगा, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी बड़ी सी रिएक्शन वीडियो में, टिल देन बाय।